हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे क्लास 11th मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 to 5 हम कर चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? एज्यूम दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी। हमें मान के चलना है पी ए, पी ए मीन्स क्या होता है? पावर सेट ऑफ ए। इक्वल है किसके? पावर सेट ऑफ बी के। शो दैट, और हमें प्रूव करना है कि ए इज इक्वल टू बी। अगर किन्हीं भी दो सेट्स का पावर सेट इक्वल है तो क्या बोल देंगे कि ए और बी दोनों सेट भी इक्वल हैं। लेट, मान के चल पड़े हम पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। टू शो, हमें प्रूव करना ए इज इक्वल टू बी, हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया एक्स। अब हमारे पास जो एक्स एलिमेंट है वो बिलोंग करता है किससे? ए से। अगर कोई एलिमेंट ए से बिलोंग करता है तो इट मीन्स वो उसके पावर सेट में भी आएगा। तो ए के अंदर को ए है वो किसके अंदर बिलोंग करता है? पावर सेट ऑफ ए के अंदर बिलोंग करता है। और पावर सेट ऑफ ए है वो किसके इक्वल है? पावर सेट ऑफ बी के अंदर है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपको दिए हुए हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। तो हमारे पास एक्स कोई भी बिलोंग करेगा सी से, फॉर सम सी बिलोंग्स टू। एक सी एलिमेंट है जो किसके अंदर बिलोंग करता है? पावर सेट ऑफ बी के अंदर। तो इसलिए हम क्या बोल देंगे, जो सी है वो सबसेट है किसका? बी का। या फिर हम यहीं से ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्स हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो बिलोंग करता है ए से। अगर एक्स हमारा ए से बिलोंग करता है तो इट मीन्स हमारा एक्स किससे भी बिलोंग करेगा? पावर सेट ऑफ ए से भी बिलोंग करेगा। अगर ए इससे बिलोंग करता है तो उसको हम क्या बोल देंगे? पावर सेट ऑफ बी से भी बिलोंग करेगा। रीजन क्या है? पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। और कोई भी सेट, कोई भी एलिमेंट अगर हमारा पावर सेट ऑफ बी में है तो इट मीन्स वो एलिमेंट हमारा बी के अंदर भी है। अगर वो बी के अंदर है तो इट मीन्स ए में भी है और बी में भी है। तो क्या बोल देंगे कि ए है और बी दोनों के अंदर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि बी है वो क्या है? सबसेट ऑफ ए है। और अगर वो उसका सबसेट है तो इसी तरह से फिर हम दोबारा प्रूव कर देंगे। दूसरे में हम क्या लेके चल पड़ेंगे कि बी से बिलोंग करता है और उसको हम किस में ले आएंगे? ए के अंदर। तो सिमिलरली हम क्या बोल देंगे कि जो ए है वो भी क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ बी। देन हम क्या बोल देंगे? ए इज इक्वल टू बी। आपकी चॉइस है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी। इज इट ट्रू, क्या ये ट्रू है दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, किसी भी सेट ए और बी के लिए, कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल आएगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करें। देखो ये फॉल्स है। कैसे है फॉल्स? उसके लिए हम एक एग्जांपल कर रहे हैं। ए हमारे पास कोई भी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 0 and 1, एंड बी भी हमारे पास कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 and 2। ए यूनियन बी निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? 0, 1, 2 ये एलिमेंट्स आ जाएंगे पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं? सबसे पहले हम पावर सेट में क्या लिखते हैं? 5। उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट्स को लिखते हैं, फिर हम डबल एलिमेंट्स को लिखेंगे, तो 5। उसके बाद सिंगल एलिमेंट क्या है? 0, फिर 1, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे 0, 1। इसी तरह पावर सेट ऑफ बी का भी बनाएंगे, 5 आएगा, 1, 2 and 1, 2। उसके बाद हमने बनाया पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, कि जो ए और बी दोनों का यूनियन है इसका पावर सेट बनाएंगे। तो क्या आएगा? 5 आएगा, फिर 0 का आ जाएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 2-2 के पेयर बनाएंगे 0, 1, 1, 2, 0, 2। उसके बाद फिर 3 के पेयर 0, 1, 2, ये हमारे पास पेयर आ जाएंगे। नेक्स्ट उससे आगे हमारे पास क्या है? पावर सेट ऑफ ए। अब हमारे पास अपोजिट साइड क्या था? ये तो हमने निकाल लिया, ये हमें निकालना है पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। दोनों के यूनियन में क्या कॉमन है? सॉरी, यूनियन में, दोनों के यूनियन में देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या आ जाता है? 5 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 0, 1, 2 and 1, 2 ये एलिमेंट्स आए। क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया इसको? फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट, हमें प्रूव करना है फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, किन्हीं भी सेट्स ए एंड बी के लिए, ए इज इक्वल टू, ए हमारे पास क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, एंड ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अब इसके लिए हम देखते हैं कैसे करेंगे।
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इक्वल है किसके, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी नॉट। इट मीन्स ए माइनस बी का हम क्या लिख देंगे, ए माइनस बी हमारा किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये तो हमें पता है इक्वल है। अब करते हैं इसको, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, ए माइनस बी की जगह हमें क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ए इंटरसेक्शन बी नॉट। अब ये हमारे पास क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट को डिस्ट्रीब्यूटिव ला के अंदर अगर हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, इंटरसेक्शन बी का अगर हम इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी यूनियन बी नॉट, बी यूनियन बी नॉट, क्योंकि दोनों में इंटरसेक्शन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला ओपन कर दिया, ए इंटरसेक्शन और कोई भी दो है बी और बी नॉट किसके अंदर होंगे, दोनों एलिमेंट्स किसके अंदर आएंगे, क्योंकि यूनियन है तो जो बी में है वो भी आएगा और बी नॉट वाला भी आएगा, तो उसको हम किस में लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट में। और ए और यूनिवर्सल सेट में से कॉमन क्या आएगा, इंटरसेक्शन में हम कॉमन पार्ट देखते हैं तो उसमें से कॉमन क्या आएगा, ए। ये हमने किसके इक्वल प्रूव कर दिया, पूरा ए के इक्वल। इसी तरह सेकेंड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए, ए यूनियन बी माइनस ए को हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी माइनस ए को क्या लिख देंगे कि बी माइनस ए किसके इक्वल है, बी इंटरसेक्शन ए नॉट के इक्वल है। अब हम इसको ओपन करेंगे, ए यूनियन बी बीच में क्या आएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन ए नॉट, ए यूनियन बी हमारे पास एज इट इज रहेगा, इंटरसेक्शन ए और ए का नॉट, सो ए और ए का नॉट, ये दोनों किसके अंदर आएंगे, अगर हम दोनों को देखते हैं कि ये किसके अंदर आते हैं तो ये किसके अंदर आते हैं, हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा, ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, ए यूनियन बी के इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। इसके अंदर हमें क्या बोल रखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, सेट्स की प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, एंड शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, हमें इसको प्रूव करना है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अगर इसकी सेट्स की प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, सेट की प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी एक्स हमारे पास सबसेट है किसका, वाई का, तो एक्स यूनियन वाई किसके इक्वल आएगा, वाई के इक्वल आएगा। कैसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, मान लिया हमारे पास x के अंदर एलिमेंट है 1, 2, y के अंदर एलिमेंट है हमारे पास 1, 2, 3, तो हम क्या बोल देंगे कि x है वो सबसेट है किसका, y का, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों का यूनियन निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, x यूनियन y, तो x और y के सभी एलिमेंट्स आने चाहिए, वो किसके अंदर है, y के अंदर, ये किसके इक्वल आ गया, वाई के इक्वल आ गया, ऐसे हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, द सुपर सेट, इसको हम क्या बोल देंगे, इसका सुपर सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन है वो भी किसके अंदर आएगा, ए सेट के अंदर, तो सब सेट होगा किसका, ए का, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट्स होंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन है, और जो एलिमेंट सेम में होगा वही तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी में भी आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको किसके इक्वल लिख देंगे, ए के इक्वल लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, इसको प्रूव करके दिखाना है हमें। इसको प्रूव करने के लिए फिर वही है कि x सबसेट है हमारा वाई का, x इंटरसेक्शन, अगर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या आएगा, जो x के अंदर थे, अब इसके अंदर देखो अगर दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो कॉमन क्या है, 1, 2, इन दोनों में कॉमन है, तो इट मीन्स 1, 2 किसके अंदर, हमारा x के अंदर, तो x इंटरसेक्शन y हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स द सबसेट, ये इसका सबसेट होगा, ए हमारे पास क्या लिख देंगे, हेयर ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का सबसेट क्या आएगा, ए आएगा। अब ए यूनियन बी का सबसेट आ गया तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी, हमें प्रूव करके दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए बी और सी भी इक्वल हो,
ठीक है, कोई ऐसा एग्जाम्पल लेंगे, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 2 4, सी इज इक्वल टू 2 5, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, दोनों में कॉमन क्या है 2, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में भी कॉमन क्या आया 2, लेकिन क्या बी और सी सेट इक्वल है, बी और सी सेट इक्वल नहीं है, इसमें 2 4 है, इसमें 2 5 है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर इन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल हैं तो बी और सी सेट भी इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, लेट ए एंड बी बी द सेट्स, ए और बी हमारे पास कोई भी दो सेट है, इफ अगर ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स, दोनों का इंटरसेक्शन निकाले वो किसके इक्वल आए, फाई के इक्वल आए, एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, और इन दोनों का यूनियन इक्वल आए फॉर सम सेट एक्स, किसी भी सेम सेट एक्स के लिए, शो दैट ए इज इक्वल टू बी, तो हमें प्रूव करना है कि ए इज इक्वल टू बी होगा। लेट हमने कोई एक्स एलिमेंट ले लिया जो इसके अंदर सेट ए के अंदर है, अगर सेट ए के अंदर है तो इट मीन्स उन दोनों के यूनियन में भी आएगा, इसलिए हम क्या लिख देंगे, एक्स है वो किस में आएगा, ए यूनियन एक्स में आएगा, फिर अगर ए यूनियन एक्स में है तो वो किसके इक्वल है, तो वो इसके अंदर भी होगा, एक्स बिलोंग करेगा किससे भी, यूनियन एक्स से भी, और जब इन दोनों के यूनियन में आ गया तो जो एक्स एलिमेंट है इट मीन्स वो बी के अंदर भी है, एक्स बिलोंग्स टू बी से भी और एक्स बिलोंग्स टू एक्स से भी, तो एक्स है हमारा या तो इससे बिलोंग करेगा या इससे बिलोंग करता हो सकता है दोनों में भी हो, इसके लिए हम दो केस लेके चल पड़े, फर्स्ट केस तो क्या हो जाएगा कि एक्स है वो बी के अंदर बिलोंग करता है, सेकंड केस क्या हो जाएगा कि एक्स है वो एक्स से बिलोंग करता है, ए आल्सो एक्स, और जो हमारे पास एक्स है वो ऑल्सो पहले से ही हमारे पास किस में बिलोंग करता है, ए के अंदर बिलोंग करता है, अगर वो ए में बिलोंग करता है तो दोनों के इंटरसेक्शन, क्योंकि जो एक्स एलिमेंट है वो एक्स के अंदर भी ले आए और ए के अंदर भी ले आए, अगर इन दोनों में है तो वो दोनों के इंटरसेक्शन में भी आएगा, क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन एक्स, और फिर अगर वो ए इंटरसेक्शन एक्स में है तो हमें गिवन में क्या था, बी इंटरसेक्शन एक्स में भी आएगा, तो वो क्या लिख देंगे, एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स, अगर इंटरसेक्शन में है तो इट मीन्स एक्स बी के अंदर भी है और एक्स एक्स के अंदर भी है, दोनों में है, तो एक्स बिलोंग्स टू बी आल्सो, अब हमने प्रूव कर दिया कि जो एक्स है वो बी के अंदर भी बिलोंग करेगा। ठीक है, इन ईच केस हर एक केस के अंदर एक्स है वो बी से बिलोंग करेगा, देयर फोर इसीलिए हम क्या बोल देंगे कि ए है वो सबसेट ऑफ बी है, क्योंकि कोई एलिमेंट हम ए का लेके चले थे और वो बी के अंदर हमने प्रूव कर दिया, तो क्या बोल देंगे, ए सबसेट ऑफ बी, इसी तरह फिर दूसरी साइड लेके चलेंगे तो हम क्या प्रूव कर देंगे, बी सबसेट ऑफ ए, अब दोनों से अगर हम एक दूसरे के सबसेट हैं तो इट मीन्स दोनों इक्वल हैं, ए इज इक्वल टू बी, और यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।